वही गुरु 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 सुनियो सब दर्शन पाए संगति पारी उतारने को गुरु नानक साहिब जी
पंथ चलाए, वाहे गुरु गुरु नानक साहिब तार के मूरत है जगया मालक अरबी ज्ञान दे सागर तख्तां ते प्रकाशमान तन तन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जी दे मुबारक चरणा विच जुड़ बैठी सात संगत जी उत्तम भाग ने जो बहुत लंबेरे समय तो आप जी गुरु गोद विच बैठे हो जत्थे टाइम ला के अपना ते वो जा रहे ने आप जी तंता दे जोग हो जो बैठ करके गुरु साहब जी दे शब्द दे नाल जुड़े हो सत्कार जोग श्रीमान सरदार सवर्ण सिंह जी बेरका जी सिख वेलफेयर सोसाइटी हुशियारपुर बहुत वड्डियां सेवावां जिहड़ियां ने पिछे निभाईयां हन वो भी परिवार समेत आए हन जीव आया नूं जिन्नी भी संगत आई है सारी प्यार वाली संगत जिथे अज दा समागम ब्रह्मलीन पवित्र आत्मा श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी महापुरखां दी सलाना वर्सी दे संबंध अंदर असी जुड़े हाँ उत्थे दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे 550 साल प्रकाश पुरब शताब्दी दे संबंध अंदर जो पूरे विश्व भर दे विच बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल अज जिथे सुल्तानपुर लोधी विशेष समागमां दी लड़ी जिहड़ी है वो 1 तरीक तो लैके 13 तरीक तक उत्थे गुरु साहब जी दी महान कृपा गुरु दीयां संगतां गुरद्वारा श्री ननकाणा साहिब पाकिस्तान भी पहुँच रही ने रागी जथे पहुँच रहे ने आप समूह संगतां नूं बेनती जिहड़ा ये 13 दिन का समा है जे रोज नहीं जप सकते ते जिवें गुरमुखो सानू तख्तां तो भी हुक्म है कि 10 मिनट वास्ते जो 5 वज गए ते 5 वज गए 10 मिनट तक जरूर मूल मंत्र दे जिहड़े जाप हन जिथे भी असी हाँ समय चो समा कढ के धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की याद विच करने हन ते सिमरन नाल जुड़ना है क्योंकि प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा ये सानू सुभाग समा मिलिया गुरमुखो आप जी नू पता ने एक पाकिस्तान दे विच जिहड़ी ट्रेन है क्रैश होई है 70 शरीर चल गए देखो दिन ते सारे 13 रह गए सी असी कहने असी 600 साल कित्थों देखना जी असी 650 घड़ी का नहीं पता गुरमुखो पातशाह ते कहिंदे इक दम का भी भरोसा नहीं है हम आदमी हाँ एकदम ही 600 साल ते 650 साल दी ना गल करिए
जिहड़ा पुरब आ रहा ना साढ़े पांच सौ साल बारह तरीक न इत्थे ते घड़ी का भरोसा नहीं गुरमुखो एक पल की भी खबर नहीं है। बड़े असी दावे बनते हाँ बालू की भीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन, दिन चार ये रेते की कंध है गुरमुखो पता नहीं केड़े टाइम इसने ढह ढेरी हो जाना है। इस करके जिन्ना भी हुंदा गुरमुखो गुरु के शब्द के नाल जुड़ना है मेरे दीन दुनिया के मालिक बहुत असी शब्द पढ़ते हाँ कि सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ। अपने जीवन च देखना भी साढ़े चानण है कि अंधेरा है मड़िया मसाणा ते दीवे जगाई जाने चानण कित्थों होया गुरमुखो अजे तक अजे ते हनेरे च तुरे फिरदे आ पैंचकां दे हनेरे च तुरे फिरदे आ मड़िया मसाणा ते गुग्गिया दे हनेरे च तुरे फिरदे प्रकाश कित्थों होया अजे तक प्रकाश नहीं होया। हो सकदा तुहाडे घर ट्यूबलाइट वधिया लगी होवे मैं बेनती करा तुहाडे घर विच रोशनी हो सकदा पर तुहाडे हिरदे च रोशनी नहीं है। वह हिरदे की रोशनी गुरु साहब जी के शब्द ने करनी है गुरमुखो वो ऐसा दीपक जलाओ गुरमुखो दीवा वले अंधेरा जाए बेद पाठ मत पापा खाए फिर साढ़े हिरदे च प्रकाश प्रकाश होया सी ओ माता जी माता दौलतां दे हिरदे च प्रकाश होया ठोकर मारती पदार्थां नूं उहनूं प्रकाश कहिंदे आ गुरमुखो ओनू प्रकाश कहिंदे आ मूंह ही मुड़ जाना है पदार्थां तो केवल मांगो दान ठाकुर नाम उन्हां दे हिरदियां च प्रकाश होया सी गुरमुखो। धन गुरु नानक देव महाराज जी दे दर्शना भी मैनू कुछ नहीं चाहिए है मैनू अज सच्ची दौलत मिल गई है मैनू तार दिता है। पटवारी जी बाबा मेहता कल्याण दास जी जेडे तुहाडे बच्चे ने जन्म लिया कोई आम नहीं है मेरी भुख मिटती लोग कहिंदे दर्शन करके भुख नहीं मिटदी है पर दौलतां दी दर्शन करके ही भुख मिट गई केड़ा धन गुरु नानक देव महाराज ने कोई बचन किया सी दौलतां नूं बचन थोड़ो किया जे तो उन्हां दा प्रकाश ही होया गुरमुखो प्रकाश हो गया सी दौलतां दे हिरदे दे विच। मेरे पातशाह ने पहला ते अपने माता जी नूं तार दिता गुरमुखो फिर दौलतां नूं तार दिता पता नहीं किन्नियां कु नूं तार दिता गुरमुखो अजे तारियां दी गिणती ते कीती जा सकदी है पर किन्नियां नूं तार दिता उन्हां दी कोई गिणती नहीं कीती जा सकदी। गुरु नानक देव महाराज जी गुरमुखो परमात्मा दा रूप बन के नहीं आप परमात्मा धरती ते आए सन आप नारायण कला धार जग में परवरियो। आ लोग ईसाई बन गए कई सिखां दे बच्चे कई औरतां गुरमुखो जिन्हां दे बजुर्ग मार बाणी नाल जुड़े रहे वो पीढ़ी गुरमुखो ईसाई बन गई ठीक है उन्हां दा धर्म उन्हां नूं मुबारक है पर गुरमुखो असी क्यों परमेश्वर नूं छड़ दिता है। ईसा नूं ईश्वर दा पुत्तर आखिया जांदा ईश्वर नहीं कहिंदे ईसा ईश्वर दा पुत्तर है। मुहम्मद साहब नूं गुरमुखो उहनां दी कौम खुदा दा रसूल मंदी है सौदागर मंदी है लेकिन खुदा नहीं मंदी है पर मेरे दीन दुनिया दे मालिक खुदा भी है ते ईश्वर भी है आप नारायण कला धार जग में परवरियो। वो ये नहीं है कि अल्लाह वर्गे हन नहीं गुर परमेसर एको जान वो आप परमात्मा धरती ते आए सी की करन वास्ते सानू तारन वास्ते पढ़ियो फिर तारे छपे अंधेरे पहलुआ छपे अंधेरे पहलुआ तारे छपे अंधेरे पहलुआ छपे अंधेरे पहलुआ तारे छपे
जग चानन हुआ मिट्टी तोंदे जग चानन हुआ मिट्टी तोंदे जग चानन हुआ तारे सपने अंधेर पनो तारे सपने अंधेर पनो तारे सपने अंधेर पनो तारे सपने अंधेर पनो सिंह बुके मेरे गावली सिंह बुके पन्नी जाए ना तीर तरो पन्नी जाए ना तीर तरो जेथे बाबा पैर तरे जेथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ पूजा आसन थापन सोआ पूजा आसन थापन सोआ पूजा आसन थापन सोआ तारे सपने अंधेर पनो तारे सपने अंधेर पनो तारे आसन सब जगत दे सेदी आसन सब जगत दे सेदी आसन सब जगत दे नानक याद मते जे को करी करी अंदर तरसा होवे कीर्तन सदा बिसोआ होवे कीर्तन सदा बिसोआ बापे तारे चार जग बापे तारे चार जग नौखंड पृथ्वी सच्चा तो नौखंड पृथ्वी सच्चा तो और मखमल बीच परगट हुआ गुरमुख कल बीच परगट हुआ गुरमुख कल बीच परगट हुआ तारे छपे अंधेर पनो तारे छपे अंधेर पनो सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तोंदे Oh.
मिठी धुंद जग जान सारे पासे बुरा भला कहो किस नू कही है सगले जी मेरे दीन दुनिया दे मालक दा जे जस गुरमुखो घर घर विच हो रहा है पाशा दी महिमा दा गायन जेड़ा देखो जेड़े सच दे मार्ग ते चलदे हन इस घर वर्गा घर गुरमुखो कोई दुनिया ते नहीं है सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी मेरे सतगुरु दा जस जेड़ा गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा कर कर बाबा गावीए बजन ताल मृदंग रबाबा ओ पातशाह दी महिमा दा जस गुरमुखो गल 13 दिनां दी खेड नहीं है कि सानू जे जथेदारा ने हुक्म लाया कि 13 दिन सिमरन करना है नहीं जिन्ना चिर सुवास है उन्ना चिर ओदा आराधन करदे ही रहना गुरमुखो ओदी महिमा दा जस करदे रहना कर बंदे तू बंदगी जे चिर घट मैं साहु ते जेड़े करनगे गुरमुखो झोलियां भरनगे जो मालक ने जाप दिता ना धन गुरु नानक देव महाराज जी ने ओदा सिमरन जरूर करया करो कलयुग बाबे तारिया सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया ओदा सिमरन जरूर करया करो उठदियां बैंदियां सुतियां जागदियां प्रसादा लौंदियां लोग ते गुरुद्वारा साहिब ही लंगर पकदा होवे फिर भी गल्लां करदियां करी जाणगे लंगर दी मर्यादा नूं भी असी गुरमुखो नहीं रहण दित्ता है जे फीलिंग चाहुंदा कि जो श्री हरिमंदर साहिब श्री गुरु रामदास महाराज दे लंगरां दे विच जिहड़ा रस है ओह साडे घर भी बन जाए फिर जदों घर लंगर तैयार करदा फिर बाणी पढ़िया कर भाई इत्थे ते बच्चियां नूं कहिंदे तेरा जूड़ा पुटूंगी है इधर सुन मेरी गल गालां कढ़ी जाणगे गुरमुख प्यारो न्याणियां नूं लोक प्रसादा लाउंदे समें भी क्योंकि साडे घरां विच भी ओह प्यार नहीं रह गए जिहड़ा प्यार गुरमुखो गुरु साहिब जी ने वंडिया है करियो जस सारी संगत कर कर बाबा गावीए कर कर बाबा बजन ताल
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨੋਏ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਹ ਬਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਧਨੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਬਈ ਵਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਮ ਫੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੁੱਟਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਭ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ
ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲੋਕ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਥੋੜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਜਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਲੋਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੂਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੂਰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਜਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਭੋਲੀ ਕਵੇ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ ਖਸਮ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬੋਏ ਆ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਹੈ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਧਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆ ਜਿਨ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ ਮਾਰਬਲ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਬਲ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੀ ਉੱਥੇ ਜਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਪਰ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਫਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾ
कृपा सब ते वड्डा सतगुर नानक सारी संगत सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कली राखी मेरी जिन कली राखी मेरी जिन कली राखी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी करो कृपा जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सारी न जाना सारे भाई भी सब ते वड्डा सतगुर नानक सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे बोली ना जानी माया मत माता मरी ना चीत माया वे नाम ते आए सुख
तेरी सरने तेरे परवास है समाप्त है। संगत का मैं बहुत धन्यवाद करदा, इन्हें भी हाई भाई हरभजन सिंह का जथा लगा तां संगत बैठी नहीं, ये व्यापारी है सच दे गुरमुखो तां बैठे हुए, सच दे व्यापारी है तां बैठे। जिहड़ियां भैणां पिछे बैठियां कृपा करके तुसीं भी अगे आ जाओ, फिर अरदास बेनती होनी है। जिहड़ी भैणां पिछे बैठियां कृपा करके अगे हो जाओ, एक कविता की हाजरी भरनी है, फिर आनंद साहब जी का कीर्तन करना, सारी संगत नेड़े नेड़े हो जाओ ताकि फिर गुरु के चरणा च अरदास भी करनी है। गुरु के समक्ष हो के जिन्ना भी नेड़े हो के बैठना, जेडे लायक बच्चे होंगे ना पहली सीट ते बैठते अगे अगले टेबल ते बहिंदे आ, इस करके जदों भी बहना अगली कतार च बहना गुरु साहब जी दे गल मिलना गुरमुखो, ते गुरु साहब साडे ते खरे तरस कर लैण, साडे ते दृष्टि मार दैण। जे दौलतां नूं तार सकदे है, कौडे राक्षस नूं तार सकदे है, ओह ठग्गां नूं सज्जण बना सकदे, भूमिए चोर नूं तार सकदे है, की गल सानूं नहीं तार सकदे मालक, सानूं भी तार सकदे है। तरन वाली भावना विच इस घर दे विच आईए गुरमुखो, गुरु हमेशा तारदे ने। धन सी बेबे नानकी गुरमुखो कैसा प्यार सी, कहिंदी है पिता जी मेरा वीर नहीं है ए मेरा पीर है। जड़ी मैनू समझ है पिता जी, कहिंदे धीए मैनू ते लोकां दीआं गल्लां दा पता नहीं लगदा है, लोग की कह रहे हैं मैनू कोई समझ नहीं लग रही है, मैं चाहना मेरा बच्चा कुछ कमाई करे ताकि मेरा नाम रोशन करे। पिता जी तुहाडा नाम ते रहिंदी दुनिया तक इसे तरह चमकेगा। कहिंदे धीए जद डक्का ही नहीं भांदा ते फिर नाम मेरा किवें करेगा, ये तो मैनू ये डर है भी अपने आप की रोटी नहीं ये खा सकता। अज फिर अखीरला फार्मूला वरत्या सी, 20 रुपये दते है गुरमुखो, भुखियां दे मूंह च पातशाह लंगर पा के आए सी, पर अज दे लंगर ते रज्जिया होया नूं रजाउण वाले है, भुखियां नूं नहीं गुरमुखो। जे को कवे ना मैं छकना नहीं, कहिंदे टिफिन बना दिंदे तुहाडे लई, घर जाके छक लिओ। कई ते गुरमुखो दाल ही कट्ठी करी जांदे ने फ्रिज च रखण लई, फिर सवेरे गली च रोड़ी जाणगे। मैं बेनती करा लंगर इत्थे ही है, फिर ते उहनूं होर ही कुछ बणना जाके। लंगर शरदा ते भावनी दा गुरमुखो, लालच लंगर नहीं है। जदों लालच करदे आ कईआं नूं बड़ी आदत हुंदी है घर च वी, आ सब्जी रख लई सवेर जोगी, हुण ते खा ला सुआद ना, जे तू हुण नहीं सुआ रख लियो जी सवेर लई रख लियो, उदों खांदे ही नहीं एवी डक्का ला ला के, यार सवेर लई रख लियो, सवेर तैनूं पता तेरे ते आउणी है कि नहीं आउणी है, कोई पता नहीं, एक दम का भी भरोसा नहीं है।
मेरे श्री गुरु अमरदास महाराज का जीवन पढ़ो ते पानी वाले कलश भी मूहे मार देंदे सी ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੀ ਦਾਲ ਖੜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆ ਵੀ ਵੀ ਗੁਰਮਖੋ ਲਟਾਏ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਤੇ ਜਨੇਊ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ना कोई चार अखर पढ़े ये की करेगा किस तरह अपनी गृहस्थी चलावेगा पता नहीं उन्होंने तो संसार नू चलाना सी सारे नू नानक दियां गुंजियां रमजा नू बेसमझ जमाना की जाने जिन सब जग अपना समझ लिया अपना ते बेगाना की जाने जे पिता जी बहुता भार है ना मेरे वीर दा लगदा तुहानू ते मैं अपने पिंड लै चलनी है उस सुल्तानपुर लोधी गुरमुख ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ पर सौरे ने भी मत्था टेकया इतिहास विच भाई जेठा श्री गुरु रामदास महाराज नु ओ दुनिया दे ओ लोको जे जवाई होवे ते मेरे जवाई वर्गा होवे भाई भाई जेठा जी श्री गुरु रामदास महाराज वर्गा होवे जे दुनिया ते होवे ते धी होवे ते बीबी भानी वर्गी होवे कहिंदे भैणे मैं ते अपनी धर्म दी किरत दा गफा पाणी छकणा चाहुंदा है ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਨਾ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਦੌਲਤ ਰਾਜੀ ਆਪੇ ਦੋਲਣਹਾਰਾ ਆਪੇ ਦੇਖੇ ਆਪੇ ਬੁਝੇ ਆਪੇ ਹੈ ਪੰਜਾਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਹੱਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਸੌਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਣਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲੱਭਣਾ ਮੂਰਖਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਤੇਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਗੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗ ਡੱਡਾ ਪਾਲਣ ਜਾਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਉਂ ਘਟੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਾਜੂ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੂਰ ਥੋੜੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
धर्म तरा जू फड़के धरती दिया पीड़ा तोन दत धर्म तरा जू फड़के धरती दिया पीड़ा तोन द सबदा प्यारा पिया तेरा तेरा बोलदा गुरु नानक सबदा प्यारा पिया तेरा तेरा बोलदा गुरु नानक सबदा प्यारा पिया तेरा तेरा बोलदा गुरु नानक सबदा प्यारा पिया तेरा तेरा बोलदा ओदे हाथ बीच सौदा तुलदा अगे जाके होना है सब पाई पाई दा ओ दे हाथ विच सौदा तुल दस जाई दा अगे जाके होना है सब पाई पाई दा इको ही शब्दी ओ दे सीने विच वसदा इको ही शब्दी ओ दे सीने विच वसदा कूड़क तबा नहीं सत नाम दी खमारी अंबरा द चने ओदे रूप दा प्यारी ओ दे नैना विच सत नाम दी खमारी अंबरा द चने ओदे रूप दा पुजारी कांशी दिया मंदिरा च कोई ओनू लभदा कांशी दिया मंदिरा च कोई ओनू लभदा कोई ओनू मक्के विच ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ
तेरे दीन दुनिया दे मालक दी कोई पिठ ला सकदा सी गुरमुखो तानो दी वड़ियाई है गुरमुखो प्रगट पई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वड़ियाई बद तो बद जिन्ना भी हुंदा सिमरन करो गुरमुखो अमृत वेले शाम दे टाइम उहदी याद विच जरूर जुड़ो पाई एक इशनान सारी संगत ने जरूर करना जेड़ा पातशाह कहिंदे अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान ये इशनान जरूर करना गुरमुखो सारी संगत ने ते जो गुरु दा सिद्धांत है पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मह इहदे भाव नूं जरूर समझना जिहड़े समझणगे उहनां दा लोक सुखी है पर लोक सहेले नानक हर प्रभ आप जी मंत्र मुग्ध हो करके ये भैणा कोई वेलियां नहीं है जिन्हां नूं काम कार नहीं घरां च कोई भी नहीं इन्हां दा प्यार है गुरमुखो साई दी याद विच बैठियां ने ये सज्जन प्यारे मेरे बजुर्ग ये साई दी याद विच बैठे ने गुरमुखो पातशाह कृपा करन तुहाडी ते साडी हाजरी गुरु साहिब प्रवान करन धनवाद दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा महापुरख श्री मान संत बाबा बलवीर सिंह जी बिरद आश्रम हरियाणा जिन्हां वल्लों हुक्म सी तकरीबन चौथा प्रोग्राम है सवेर दा गुरमुखो ते शरीर भी मेरे नाल थोड़े 50-55 दे गेट च चल गए है ते महाराज जी इन्हां नूं बुला रहा है हुण ते बजुर्गां दी हालत विच हो गए है मैं आख्या भी उन्ना चिर तो मैं कीर्तन करना जिन्ना चिर मेरे वीर मेरा साथ दे रहे है असी ये नहीं भी कल नूं कोई फड़ लिया ते परसों नूं कोई फड़ लिया नाल कीर्तन करन वाला मैं बेनती करा बड़े बड़े कीर्तनियां दी निभदी नहीं क्यों नहीं आ छिलड़ खराब कर दे गुरमुखो आ जिहड़ा डब्बा भरिया होया ना ये खराब कर रहा है मेरे पातशाह कृपा करन प्यार ते मोहब्बत दे नाल गुरमुखो निभ जावे साईं दे नाल ये अरदास करनी है करियो अरदास सारी संगत फिर नानसा पढ़ते हैं मेरी निभ जे प्यारे नाल सारी जिंदगी सारी संगत
आशा का ध्यान धर के दुनिया के मालक का सारे भाई भी सारिया भैन भी ऐसी गूंज ध्यान धर के गुरुद्वारा श्री ननकाणा साहब जी का मेरी नी विजय प्यारी नाल सारी जिंदगी सारी मेरी नी विजय प्यारे नाल सारी जिंदगी सारी जिंदगी करो कृपा नी विजय प्यारी नाल सारी हां जी नी विजय प्यारी नाल जिंदगी